गाइज यार आज बहुत ज्यादा गर्मी है, ऊपर से मेरा एसी भी काम नहीं कर रहा। एक काम करता हूँ, एसी वाले को कॉल करता हूँ। हेलो दादा, मुझे अपना एसी सर्विस करवाना था, क्या आप अभी आ सकते हो? अरे हम आ तो जाएंगे, पर पहले मुझे उसका सीरीज नंबर चाहिए होगा। अब सीरीज नंबर कहाँ से लाऊं मैं? वो उसके कंप्रेसर पर लिखा होता है। अब यार क्या मुसीबत है, चलो गाइज चलना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो छत पर जाता हूँ क्योंकि उसका कंप्रेसर वहीं पर रखा हुआ है। फटाफट चढ़ते गाइज यहाँ से, चलो ऊपर तो आ गए, अब फटाफट कंप्रेसर के पास चलते। ये रहा गाइज, उसका सीरीज नंबर यही पर होना चाहिए। कहाँ लिखा होता है यार? एक तो मुझे इस चीज का कुछ भी आइडिया नहीं है। पीछे साइड तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ मगज मारी है यार। एक मिनट, कहीं ये तो नहीं? नहीं यार। ओ भाई साहब, ये तो ब्लैक पैंथर का सूट है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी तक तो नहीं था, मैं थोड़ी देर पहले ही ऊपर आया हूँ। ये पक्का कोई रख के गया है, पर सोचो कितनी शांति से रख के गया होगा, हमें भनक तक नहीं पड़ी। एक मिनट यार, फिर से किसी का कॉल आ रहा है, कहीं एसी वाला तो नहीं? नहीं यार, ये तो ब्लैक पैंथर है। हेलो डूड, तुम्हें सूट मिला क्या? अच्छा तो ये तुमने रखवाया है? हाँ, मैंने ही उसे भेजा है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे इसे अपग्रेड करके दो। क्यों मैं? तुम नहीं कर सकते? मैं थोड़ा काम से बाहर गया हूँ, प्लीज मेरा इतना काम कर दो। अच्छा ठीक है, तो गाइज एक नया काम, वो भी इस गर्मी में यार। चलो ज्यादा देर नहीं करते, फटाक से जाके पहन ही लेते। वैसे सूट तो अच्छा ही लग रहा है, इसे अपग्रेड करवाने की क्या जरूरत थी, इतना ढासू तो है। पर गाइज अगर बोला है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो गाइज चलो चलते हैं पैसा कमाने, क्योंकि बिना उसके तो ये सूट अपग्रेड होगा नहीं। पर यार मैं क्या करूंगा ऐसा जिससे पैसा कमा सकूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर से कॉल, ये सुबह से तीसरा कॉल है। एक मिनट, ये तो माफिया का कॉल है। हेलो डूड, मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। हाँ पर तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर मेरा एक ब्रीफ केस रखा हुआ है, हीरो से भरा हुआ, तुम्हें उसे लाके मुझे देना होगा। पर चिंता मत करो, ये काम मैं फ्री में नहीं करवा रहा। ओके तो फिर ठीक है गाइज, हमें पैसों की जरूरत है और उसे हमारे काम की, तो फिर डील बराबर की है। तो उसने जो लोकेशन भेजी है ना गाइज, वो तो यही की थी। अब यार यहाँ पर तो गार्ड खड़ा है, मुझे लग रहा है कि वो केस है ना इस घर के अंदर है। अब आराम से जाओ या मारपीट करके जाओ कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहले बात करके ट्राई करता हूँ तो ही पता चलेगा। अरे दोस्त सुनो ना, तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? मुझे उससे मिलना है। ए, तुम इतना चिल्ला के क्या बात कर रहे हो? वो हमारे बॉस है, आराम से बात करो और तुम अंदर नहीं जा सकते। मैंने तो बस उसके बारे में पूछा था। हाँ नहीं तो खाली एक सिंपल सा सवाल पूछा था, सिंपल सा। गाइज यार इसकी गन ले लेते हैं क्योंकि अभी हमारे काम आएगी, मुझे पता है। ओ भाई साहब यहाँ पर भी गार्ड है, अभी तो देख लेता, इसको भी टपकाना पड़ेगा। लगाते हैं चुपचाप निशाना और ये गया, सीधा हेडशॉट पड़ा। गाइज इसके लिए तो लाइक कर देना यार। अब फटाफट से भाग के जाते ऊपर। ओहो, यहाँ तो पूरी पलटन जमा है। या फिर छोड़ो, वो लोग हमें देख नहीं रहे, सीधा घर के अंदर चलते हैं। गाइज यार घर तो काफी ज्यादा अच्छा और बड़ा है, पर ये हमारे लिए मुसीबत की बात है क्योंकि वो केस ढूंढना है अभी हमें। यहाँ पर तो नहीं रखा हुआ, इस साइड तो नहीं, जरा जाके देखते गाइज। यहाँ से तो नीचे जाती है सीढ़ियाँ, लगता है नीचे उसका बेडरूम होगा। नहीं यार यहाँ पर भी नहीं है। एक मिनट, इस कपड़े वाले रूम में जाके देखते है। ओहो, ये रहा गाइज, इसने यहाँ पर छुपा के रखा था। चलो अब यहाँ से लेके इसको कल्टी होते हैं। भाग 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 डूड, यही मौका है हमारे पास, फटाफट कैसे भी करके यहाँ से निकलूं, अभी तक उन्होंने हमें देखा नहीं है। कितनी आराम से कर दिया यार, बस दो आदमी हमारे बीच में आए थे। अब गाइज चलते सीधा माफिया के पास, बस एक ही गड़बड़ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है क्योंकि उसने बताया नहीं था कि वो कहाँ मिलेगा। एक काम करता हूँ, उसको कॉल करके पूछ लेता हूँ। ये लगाया मैंने फोन। अरे यार तुमने बताया नहीं तुम कहाँ पर मिलोगे? मैं तुम्हें बीच के पास मिलूंगा, लोकेशन भेज देता हूँ। ओके तो गाइज यार जैसे उसने लोकेशन दी थी, हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये रहा माफिया, देखो मैं तुम्हारा केस ले आया हूँ। हाँ तो पहले गाड़ी से तो नीचे उतरो। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, ये लो तुम्हारा केस और मुझे मेरे पैसे दो, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट कहीं पर जाना है। तुमने मेरा काम किया, वादे के हिसाब से ये लो तुम्हारे पैसे। तो गाइस यार फाइनली हमें पैसे मिल गए, कितने देखते हैं? $10,000। इसमें तो अच्छा खासा सूट आ जाएगा, जल्दी से अपग्रेड करते हैं। और ये बाय, तो माफिया का गया, अचानक से गायब ही हो गया। ये लोग ज्यादा देर खुले में नहीं घूम सकते, इनकी भी मजबूरी है, वरना क्या ना पुलिस आके पकड़ ही लेगी। चलो गाइस एक काम तो हो गया, थोड़ा सा तो अपग्रेड हुआ कम से कम। अब हमें और पैसे जमा करने होंगे ताकि और नया सूट ले सके, मतलब कि इससे अपग्रेड वर्जन। एक मिनट यार, यहाँ इतना शोर शराबा की हुए। ओ भाई साहब यहाँ तो पूरी गैंग है गाइस। मुझे लग रहा है ये लोग पक्का कुछ करने वाले। अबे मुझ पर गोलियां क्यों चला रहे हो? तुम्हारी तो मैं ये ले, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, बस आके देख रहा था। इतनी गुंडाई अच्छी नहीं है, ये ले। गाइस यार इन्हें मारने के पैसे मिल रहे, क्या बात है यार। किसी के 5,000, किसी के 10,000, तो किसी के 3-4 हजार भी मिल रहे। अरे अरे तेरी तो ये खा। और कौन है? ये रहा। अबे यार ये लोग तो छुप छुप के गोलियां चला रहे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चलो यार गाइस फाइनली मुझे लगता है मैंने सबको
मार दिया है और हमारे पास जमा हो गए $50,000। देखते इसमें कौन सा सूट आता है और ये बाय। अब ये वाला वाइब्रेनियम वाला सूट है, इसका तो कलर भी काफी मस्त है। चलो गाइज अब यहाँ से निकलते। ओहो अबे यार इस सूट में तो पावर्स भी है। वो दोनों वाले सूट नल्ले थे इसलिए मैं भूल ही गया कि इस सूट में पावर भी होती है। अब जाके हमें ब्लैक पैंथर की पावर आई है। क्या जंप मार रहा है यार इतनी बड़ी बड़ी, और मैं कितना स्पीड भी भाग सकता हूँ। मजा आ गया गाइज, क्या बात है यार। पूरा लॉस सेंटोस घूम सकता हूँ मैं स्पीड से, और वो भी एकदम जल्दी। एक मिनट, स्टार्ट फिनिश यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या? पक्का कुछ तो चल रहा है जो हमारे काम का हो सकता है। जल्दी से जाके पूछता हूँ। अरे फ्लैश तुम कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और दादा यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर एक रेस होने वाली है, जो भी फ्लैश को हराएगा उसे मिलेगा $1,00,000। बोलो तुम्हें मंजूर है? पैसों की जरूरत तो है गाइस। हाँ मुझे मंजूर है, मैं करूँगा फ्लैश के साथ रेस। यहाँ रेस नहीं करनी है, मतलब तुम उसे रेस भी कह सकते हो। तुम्हें खाली एक लैप पूरा करके आना है, जो भी सबसे कम टाइम में पूरा करेगा वो जीतेगा। अच्छा ऐसा, रुको सबसे पहले मैं जाके आता हूँ, क्योंकि तुम्हारे तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है मेरे सामने। स्पीड मेरे लिए ही बनी है, तुम बस गिनते रहो। 3, 2, 1 और ये मैं चला। क्या बात है यार, मैं कितना स्पीड भाग रहा हूँ। इस बार तो पक्का मैं ही जीतने वाला हूँ। चलो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, देखा? और वो तो अभी तक पहुँचा भी नहीं। अरे एक मिनट, वो यहाँ पर क्यों पहुँचेगा? मुझे तो ये लैब पूरा करके वापस जाना था। शिट यार मैं भूल गया हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। जल्दी जल्दी जाता हूँ वापस से। भागो जल्दी जल्दी जल्दी, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी यार। मुझे तो लगता है ये अभी भी मुझे नहीं हरा सकता, मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मैं भूल ही गया था कि वापस आना है। क्या हम इसे दोबारा से कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं, क्यों दोबारा क्यों? कॉम्पिटिशन मजाक थोड़ी है, तुम भूल गए इसमें हमारी गलती नहीं। हाँ नहीं तो गाइस, चलो यार अब हमारी बारी है, हमें अपनी पूरी जान लगा के भागना होगा, क्योंकि एक चांस है हमारे पास। फ्लैश वहाँ पर पहुँच के रुक गया था, मतलब के भूल गया था कि उसे वापस भी आना है, उसे लगा कि नॉर्मल रेस चल रही है। चलो गाइस यहाँ पर पहुँच गए, अब टर्न मार के जाते हैं सीधा वापस से। मजा आ गया यार, क्या चांस मिला है हमें जीतने का। फाइनली गाइस पहुंच गए यहाँ पर, और उसी के साथ मुझे लगता है कि इनाम तो मैं ही जीता हूँ। क्या बोलते हो अंकल? हाँ इनाम तो तुम ही जीतते हो, क्योंकि फ्लैश को तुमसे ज्यादा टाइम लग गया था। अरे पर मैं भूल गया था। अरे यार छोड़ो ना, फ्लैश कभी और जीत जाना। वैसे भी गाइस हमें पैसों की जरूरत थी, तो मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है। अब देखते हैं कि $1,00,000 में कौन सा सूट है, और ये बाय। ओहो ये तो किल मॉन्गर वाला सूट है यार, ये मुझे बहुत ज्यादा सेक्सी लगता है। अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें ये भी सोचना है कि और पैसे कैसे जमा करें। हमें इसके आगे भी अपग्रेड करना है यार, मैं ब्लैक पैंथर को निराश नहीं कर सकता। वो बंदा मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है वो। वैसे तो जम मार मार के मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, पर यार ऐसी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ मैं पैसे कमा सकता हूँ? कुछ तो होगा। एक मिनट, किसका कॉल आ रहा है? ये तो ब्लैक पैंथर ही है। हाँ बोलो ब्लैक पैंथर। मेरी बात सुनो डूड, अगर तुम्हें और पैसे कमाने हैं तो मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो बहुत बड़ा बड़ा इनाम देते हैं, तुम्हारे काम आएगा। ओके गाइस, यार उसने जो लोकेशन दी थी मैं यहाँ पर पहुँच गया। उप्स थोड़ा जोर से लग गया यार। तो गाइस यहाँ पर करना क्या है, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी रैंप है, और मुझे इसे पूरा करना है 3 मिनट के अंदर। तो देखते अपन कर पाते या नहीं, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। बीच में बहुत छोटे छोटे बलून है, क्या ब्लास्ट हो रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है सेलिब्रेशन चालू है। यहाँ पर तो बलून ही बलून है इनके बाद, ये वाले बलून पर ये फूट नहीं रहे, ये तो मतलब जहाँ से चिपकाए हुए वहीं से निकल रहे सीधा। ओ आगे नहीं आगे नहीं, अभी तो गिर ही जाता सीधे सीधे जाने के चक्कर में। अब यहाँ पर एक प्लाई लगाई हुई है। ओ भाई यार इन सबको तोड़ तोड़ के जाना पड़ रहा है आगे, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत अच्छी टेक्निक थी यार। अबे टावर खड़ा कर दिया क्या यहाँ पर टेढ़ा? यहाँ पर तो ग्रिल ही ग्रिल है। कोई नहीं गाइस, हमें बस टायर अंदर फंसने नहीं देना है, बाकी तो मैं संभाल ही लूंगा। आराम से चलना है, आराम से, या फिर थोड़ा स्पीड में चलना है, क्योंकि आराम से चलूंगा तो अटक जाऊंगा। चलो 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 चलो, पहुंच गए। अब गाइस यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट जाके फिर राइट, मतलब के सीधा, हम लोग आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, बहुत कम ही बाकी है। ओ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं गाइस। अबे यार अब तो फिसल के नीचे जाता सीधा। एक तो यहाँ पर पाइप रखे हुए है, और गोल चीजों पे बाइक यार जल्दी फिसलती है। ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, साइड से होकर जाता हूँ। चलो 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 चलो, कर सकता है डूट तो कर सकता है। गिरना मत, फाइनल स्टेज है। अब यहाँ से हमें बस नीचे उतर के जंप मारनी होगी, और ये मैच चला। भाई यार क्या बात है गाइस, हम लोग पहुंचने वाले हैं। बूम, हाँ चलो, और ये रहा इनाम, पता नहीं ये कितना होगा, जल्दी से काउंट कर लेते हैं। तो गाइस 1, 2, 3 ये है पूरे $1,000,000। जल्दी से सूट को अपग्रेड करते हैं और बाय। भाई साहब क्या सूट है यार। अबे यार अभी सूट बदला था, फोन आ गया। ब्लैक पैंथर डूड मेरी बात सुनो, थैनोस एक गांव में छुप के बैठा है, पता नहीं वो क्या करना चाहता है, पर इतना तो पक्का है जो भी करेगा बहुत बुरा, तुम्हें उसे जाके रोकना होगा। अच्छा ठीक है गाइस, यार एक काम खत्म होता नहीं है कि दूसरा काम आ जाता है। उसने जो गांव बोला था वो यही कहीं पर है, देखो ये रहा वो गांव।
थैनोस तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा। अबे मेरा इंतजार कर रहा था क्या? रुक जा भाई रुक जा, ताली कम बजा, मुझे पता है तू खुश हो रहा मेरे आने से। अच्छा ये खुशी वाली ताली नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अभी आया हूँ यार, ऐसे मेहमान नवाजी नहीं करते नहीं करते। भाई यार ये तो मारते जा रहा है गाइस, मारते जा रहा है। रुक जा यार थोड़ा तो शांति लेन दे, ऐसे बराबर की टक्कर होनी चाहिए ना, तू अचानक से वार करता है, चीटिंग 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 करता है तू। गाइस अब मेरा दिमाग खसक रहा है, मैं तेरे आराम से प्यार से मजाक से बात कर रहा हूँ पर ये मान नहीं रहा है। तेरी तो कहा गया, अबे झाड़ियों की वजह से मैंने किसी और को ही मार दिया यार, अब इसको मजा चखाते हैं। वो एक लात में नीचे गिर गया था, मुझे तो लगा गया पर वापस उठ गया। कोई नहीं कोई नहीं, ओहो क्या बाउंस खा के आया हूँ मैं। नहीं नहीं इसको ऐसा करने नहीं देना यहाँ पर, अब तेरे को पटकता हूँ। तू तो गया, क्या लगी होगी इसको। गाइस यार इसकी हालत खराब हो रही है, इसको नहीं पता हमने सूट को बहुत अच्छे से अपग्रेड किया है, हमें बहुत ज्यादा पावर है यार। सच्ची बोल रहा हूँ, अगर पहले वाला सूट होता तो इसको ऐसे नहीं मार पाता। और ये ले, फिर से खड़ा हो गया। अबे कौन से मिट्टी का बना है, तेरी तो वापस से यहाँ पर आ। एक और बार पटकते गाइस, और ये गया, मैं छत पर रह गया और वो नीचे, पर कोई बात नहीं लगी तो है उसको। आप लोग देख रहे हो नीचे जमीन पर भी क्रैक आ गए थे। तो गाइस फाइनली इसका खेल तो खत्म, हमने अपना काम कर दिया, थानोस को भी मार गिराया, अपना सूट भी अपग्रेड कर लिया। अब इस सूट को निकाल देता हूँ, ब्लैक पैंथर आके ले जाएगा, जल्दी से उसे फोन करता हूँ। हेलो ब्लैक पैंथर, मैंने तुम्हारा सूट अपग्रेड कर दिया है, तुम आके इसे ले जाओ। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो मैं उसे उठा लूंगा। तो गाइस यार अब आपकी बारी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।